कोतवाली प्रभारी के निलंबन की मांग को लेकर अनशन का आज चौथा दिन, नहीं हो पा रही उनकी मांग पूरी, अनशनकारियों का बुरा हाल। कोतवाली प्रभारी के निलंबन की मांग को लेकर रविवार 13 दिसंबर से शुरू हुए सैयद जिला प्रेस क्लब के पत्रकारों के अनशन का आज तीसरा दिन। लगातार 3 दिनों से चल रहे पत्रकारों के अनशन पर आज तक किसी भी अधिकारी ने अनशनकारियों से बात करना मुनासिब नहीं समझा, जबकि मंगलवार को अनशनकारी पत्रकार को तहसील के कुछ वकीलों का सहयोग जरूर मिला और विधानसभा के पूर्व विधायक अधिवक्ता गयादीन अनुरागी के साथ ही एडवोकेट सौरभ तिवारी, एडवोकेट सिद्धार्थ मिश्रा, एडवोकेट शैलेंद्र और ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष गणेश शंकर, विद्यार्थी सहित जिला के पत्रकारों ने अनशनकारियों के साथ बैठकर उनका समर्थन किया। बीते 5 दिसंबर को व्यास ऑफ लखनऊ समाचार पत्रकार के तहसील संवाददाता उमेश कुमार को कोतवाली प्रभारी द्वारा कोतवाली में बिठाने के साथ ही उसके साथ अभद्रता की गई थी, जिसके चलते सैयद जिला प्रेस क्लब संगठन के पत्रकारों ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर उक्त मामले में कोतवाली प्रभारी के निलंबन की मांग की थी, जिसकी जांच अपर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह कर रहे हैं। जबकि पत्रकार संघ ने 13 दिसंबर तक मांग पूरी नहीं होने पर अनशन की घोषणा की थी और पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार रविवार से पत्रकार संघ के पत्रकारों ने अनशन शुरू कर दिया। संगठन के अध्यक्ष ब्रजेश ओझा ने इस अनशन को बुधवार से क्रमिक अनशन के स्थान पर अमरण अनशन शुरू करने की घोषणा की है। ओझा ने कहा कि पत्रकारों के साथ हो रहे उत्पीड़न को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।